अरे चलो चलो, हम फ्रैंकलिन के घर आखिरकार पहुंच गए। चलो फ्रैंकलिन, उतर जाओ। अरे सर, आपको मदद करनी पड़ेगी, व्हील चेयर पे कैसे उतरूंगा? अरे लगता है मुझे ही मदद करनी पड़ेगी। चलो चलो फ्रैंकलिन। चल रहा हूँ। आखिरकार मैं अपने घर पे आ गया। 10 घंटे से मेरा ऑपरेशन चल रहा था और आखिरकार मैं घर पे आ चुका हूँ। फ्रैंकलिन, तुम्हारा एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ था। वो तो अच्छा है, तुम्हें ज्यादा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ तुम्हारे पैर काम करना बंद हो चुके हैं, पर तुम जिंदा हो। इसका मतलब मेरे पैर कभी ठीक नहीं होंगे? होंगे। पर पहले तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें याद है ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? एक्सीडेंट मुझे ज्यादा ढंग से याद तो नहीं है, पर मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। हाँ फ्रैंकलिन, याद करने की कोशिश करो। क्या हुआ था? हाँ याद आया, उसके लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो ये बात है, जब मैं कल रात को अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए जा रहा था, जब पूरी की पूरी बारिश हो रही थी, कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं अपनी गाड़ी को इतनी ज्यादा स्पीड में चला रहा था कि मुझे सामने ट्रक दिखाई नहीं, और एकदम से मेरा एक्सीडेंट हो गया, और उसके बाद ये हो गया। फ्रैंकलिन, तुम्हारा एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, पर हम तुम्हें ठीक कर सकते हैं, पहले जैसा कर सकते हैं। क्या सही में? तो जल्दी से कर दो ना। फ्रैंकलिन, हमें तुम्हारे नए पैर लगाने पड़ेंगे, और नए पैर लगते हैं $1,50,000,000 का। $1,50,000,000 मतलब दोनों पैर $100,000,000 के? हाँ फ्रैंकलिन, दोनों पैर $100,000,000 के लिए। बताओ तुम्हें लगवाने क्या? लगवाने तो है, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब मेरे पास पैसा जाएगा मैं आपको फिर फोन कर दूंगा। ओके, बता देना। तो गाइस, मेरा एक्सीडेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक हुआ था, आप देख सकते हो। ये मेरी गाड़ी जिसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इस गाड़ी की क्या हालत हो चुकी है। मैं तो फिर भी घर पे आ तो गया जिंदा कम से कम, पर इस गाड़ी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। चलो अब तो ऐसे ही घूमना पड़ेगा लगता है, क्योंकि अगर मुझे अपने नए पैर लगवाने तो $100,000,000 लाने पड़ेंगे, और वो कहां से लाऊंगा मुझे नहीं पता, और इस सीढ़ियों से उतरना कितना ज्यादा मुश्किल है। चलो आराम से। बच गया। अगर रोज ऐसा करना पड़ा तो मेरी हालत तो बहुत ही खराब होने वाली है, रोज इस सीढ़ियों से ऊपर नीचे करना पड़ेगा, बचा। तो आखिरकार अभी मैं अपने घर पे आ चुका हूँ। कल रात से मैं हॉस्पिटल में था, अभी मैं घर पे आ चुका हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हो मेरी हालत कितनी खराब हो चुकी है। आओ फ्रैंकलिन, तो मैं क्या हो गया? अरे चौ, मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है, अब मैं चल फिर नहीं सकता। आओ चलो, मैं चलता हूँ, बाय बाय। और ये चौप को तो मेरी पड़ी ही नहीं है, देखो ऐसे पूछ के चला गया, पर मेरी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। आप देख सकते हो उस एक्सीडेंट के बाद मेरे पैर तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, पर मेरे हाथ बहुत तेज तेज हिल रहे हैं, मैं पैरों को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा। अब मैं सोऊंगा कैसे, खाऊंगा कैसे, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और सबसे मेन चीज, बाथरूम कैसे जाऊंगा मुझे समझ नहीं रहा। अपने ही घर के अंदर कैसे व्हील चेयर में घूमना पड़ रहा है, अब मैं क्या करूं? A few moments later. अरे अभी ये घर पर कौन आ गया? वैसे ही मैं इतना ज्यादा परेशान हूँ, और अभी पता नहीं कौन परेशान कर रहे आ चुका है। मैं बस कब से यही सोच रहा हूँ कहाँ से लाऊं $100,000,000 दोनों पैरों के लिए, और यहाँ पर तो रास्ता भी नहीं मेरा जाने की व्हील चेयर को लेके। चलो यहाँ पर आ गया बहुत ही मेहनत कर करके। अरे भाई कौन आया है, कौन है? मैंने सुना है तुम्हें $100,000,000 की जरूरत है। हाँ लेकिन आप कौन हो? मैं हूँ तत्तू हल्क, और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या मेरी मदद? कैसे? क्या तुम $100,000,000 के लिए कुछ भी कर सकते हो? हाँ मैं अपने दोनों पैर वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ। अरे अरे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? तुमने बोला कि तुम $100,000,000 के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो मैं अपने साथ लेके जाऊँगा, और तुम कमा सकते हो $100,000,000। अरे तो ऐसे कौन उठा के लेके जाता है, ढंग से भी तो लेके जा सकते हो। रोको रोको। नहीं, अब तुम सीधा चैलेंज पर ही रुकेंगे। अरे मुझे बचाओ। तुम्हें $100,000,000 चाहिए कि नहीं? चाहिए चाहिए। तो फिर चुपचाप बैठो और चलो मेरे साथ। मुझे बचाओ। तुम सबका स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में। ये है हमारे 5 कंटेस्टेंट जो कि कंपटीशन करने वाले $100,000,000 जीतने के लिए। तो क्या तुम सब तैयार हो? मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ।
ओ मैं भी तैयार हूँ। मैं तैयार तो हूँ पर एक सेकंड, ये आयरन मैन के पास तो इतना पैसा है, ये क्यों आया यहाँ पर? और ये थैनोस ने तो पूरी दुनिया को खत्म कर दिया था, ये क्यों यहाँ पर आया है? बच्चे सबको इक्वल कॉम्पिटिशन मिलेगा $100 million जीतने के लिए, तो सबसे पहला चैलेंज होने वाला है कार रेस। कार रेस? अरे क्या बोल रहे हो, मैं कैसे करूँगा कार रेस, मेरे तो पैर ही नहीं है। तो तुम अपनी व्हील चेयर में रेस कर लेना। व्हील चेयर में कैसे रेस होती है? वो सब मुझे नहीं पता, अगर $100 million जीतने तो करनी तो पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो? हम तैयार है। तैयार तो नहीं है पर ठीक है। तो चलो सबसे पहले चैलेंज यानी कि कार रेस को शुरू करते हैं। चलो रेस को शुरू करते हैं, 3, 2, 1 गो। तो कहा सर, अब यहाँ पर रेस शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो सभी के सभी लोग मेरे से आगे जा रहे हैं और मैं ये व्हील चेयर में सबसे पीछे के, मुझे शुरुआत करवाइए, मुझे समझ नहीं आ रहा। आयरन मैन मैं ही जीत के रहूंगा। तो कहा सर, अभी आप देख सकते हो अपन व्हील चेयर में भैया में चल रहे फोर्थ पोजिशन पे और मुझे कैसे भी करके फर्स्ट आना पड़ेगा। अगर मुझे $100 million चाहिए तो मुझे फर्स्ट तो आना पड़ेगा। एक बार मुझे पैसे मिल जाए फिर मेरे पैर वापस से ठीक हो जाएंगे। चलो फटाफट से भगाते हैं। तो अभी मैं चल रहा हूँ थर्ड पोजीशन पे, मुझे फर्स्ट पर जाना है। अभी सेकंड को ओवरटेक करने वाले हैं, इसमें तो थैनोस है। इस बैंगन को भी हमने पीछे छोड़ दिया है, ये फर्स्ट पर कौन चल रहा है? अरे मैं चल रही हूँ फर्स्ट पे। अरे दीदी आपके फर्स्ट पे चल रही हो, जल्दी कर फटाफट से अपनी गाड़ी को भगाते और फर्स्ट वाले को क्रॉस करके फर्स्ट पे जाते हैं। ये व्हील चेयर तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैंने आयरन मैन, थैनोस सबको पीछे छोड़ दिया, बस इन दीदी को पीछे छोड़ना बाकी है, फिर मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। और ये मैं आ गया फर्स्ट पे, भगाओ जल्दी गाड़ी को, जल्दी कैसे अभी मैं फर्स्ट पे आ चुका हूँ। अरे बचाओ बचाओ बचाओ, मैं जीत के रहूंगी, रुक जाओ। ललिता 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 कौन है? मेरा नाम फ्रैंकलिन है। जल्दी बताओ कैसर, वो मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो कैसर अभी सबसे आगे मैं चल रहा हूँ फर्स्ट पोजीशन पे। और कैसर अगर आप चाहते हो मैं सारे के सारे चैलेंजेस में फर्स्ट पोजीशन पे आऊँ तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे अपने पैर ठीक करवाने और उसके लिए मुझे फर्स्ट तो आने पड़ेगा, तभी मुझे $100 million मिलने वाले हैं। और अभी मैं थोड़ा रेस्ट दे सकता हूँ अपने हाथों को अपने पैरों को, क्योंकि यार अभी बहुत ही लोग ज्यादा मेरे पीछे, तो मैं बिल्कुल आराम से चलने वाला हूँ ताकि मुझे आराम से रेस्ट मिल जाए, फिर से मैं तेज चला पाऊंगा। बस मुझे पीछे देखते रहना है, कोई आ नहीं जाए। मुझे लगता है मैं ये चैलेंज बहुत ही आराम से जीतने वाला हूँ और बाकी के जितने चैलेंज होंगे उनको भी हम बहुत ही आराम से जीत लेंगे। तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो ये दीदी यहाँ पे आ गई और ये तो मेरे से आगे भी निकल गई, ऐसा कैसे हो सकता है? फुल स्पीड में अपनी व्हील चेयर को भगाना पड़ेगा। दीदी तो बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुकी है, रुक जाओ मैं कैसे भी करके ये जीत के रहूंगा। अबे ये क्या हो रहा है, मेरी गाड़ी तो उल्टी हो गई। ये मैं आ गया और ये मैं फर्स्ट आ गया। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, तुमने ये चैलेंज सबसे पहले कंप्लीट किया है, तुम आते हो फर्स्ट। तो लाओ मेरे 100 मिलियन, मैं जल्दी से ठीक हो गया हूँ। अभी नहीं फ्रैंकलिन, अभी दो और चैलेंजेस बाकी है। क्या दो और चैलेंजेस? उनमें भी जीतना पड़ेगा। तो गाइस सर पहला चैलेंज तो मैंने जीत लिया, अब मुझे दो और चैलेंजेस जीतने होंगे। तो अगर आप चाहते हो मैं दोनों के दोनों चैलेंजेस जीत जाऊँ तो फटाफट से कमेंट लिख दो गुड लक फ्रैंकलिन। और यार मेरी व्हील चेयर उल्टी हो गई, मुझे कोई बचा लो। चलो फटाफट चलते हैं अगले चैलेंज पर। तो तुम सबका स्वागत है अगले चैलेंज में। पिछली वाली रेस में से तुम तीनों जनों ने क्वालिफाई किया है और अब तुम ये चैलेंज करने वाले हो $100 million के लिए। तो मैं बताता हूँ तुमको इस चैलेंज में करना क्या है। चाहे अपनी बाइक लो चाहे अपनी कार लो, उसको इस रैंप से फुल स्पीड में कूदाना है। और यहाँ पर 50 स्कूल बस खड़ी है, उन सब के ऊपर से खुदा के इधर लैंड करना होगा। कोई भी जना अगर स्कूल बस से टकराया तो वो इस चैलेंज से बाहर हो जाएगा और 100 मिलियन नहीं जीत पाएगा। चलो चैलेंज को शुरू करते हैं। एक तो ये हर बार ऐसे चैलेंज क्यों लाता है जो कि मैं कर नहीं सकता। अब ये 50 स्कूल बस के ऊपर के मैं व्हील चेयर से कूदूंगा। सबसे पहले आयरन मैन की बारी। मैं ये चैलेंज तो बहुत ही आसानी से कर लूंगा, तुम देखना मैं कितनी अच्छी बाइक चलाता। ये 3, 2, 1 और गाइजर आप देख सकते हो आयरन मैन हमारा हवा में जाते जाते क्या ही लैंडिंग करी, 50 की 50 स्कूल के बस से ऊपर से कुदा लिया। ये तो कुछ नहीं है, ये देखो एक और बार। और गाइजर आयरन मैन ने फिर से अपनी गाड़ी को कुदा लिया और यहाँ पर लैंड कर लिया है। हमको तो सिर्फ एक ही बार जाना था, ये तो दो बार होके आ गया। अब तो मेरी बारी है, अब जाओ।
अब बारी इस लड़की की। और काइजर, इस लड़की ने अपनी गाड़ी को खुदा लिया, क्या ये पहुंच पाएगी? और ये क्या, ये तो इधर ही गिर गई। रुक जाओ, अभी बाकी है, मैं गिरी नहीं हूँ, मैं जीत के दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगी। और ये क्या, ये लड़की तो यहाँ पर गिर गई। अब बारी है फ्रैंकलिन की। तो कैसर, अभी मेरी बारी आ चुकी है। इस व्हीलचेयर से उन सारी के सारी 50 स्कूल बस से हम जंप करने वाले। चलो व्हीलचेयर को फुल स्पीड में चलाते हैं और यहाँ पर हम करेंगे जंप। मुझे बचाओ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा? और कैसर, हमने ये कंप्लीट कर दिया। थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया, पर कोई बात नहीं, हमने 50 की 50 बसों के ऊपर से जंप कर लिया है। और एक सेकंड, मुझे भी वापस जाना है। आयरन मैन भी दूसरी बार गया था, मैं भी दूसरी बार जाके दिखाऊंगा। आप देखना कितनी बढ़िया तरीके से मैं जाने वाला हूँ। ये कोई बात नहीं, हमने एक बार तो कर ही लिया और चैलेंज तो एक ही बारी का था। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, आयरन मैन, तुम जाते हो आखिरी चैलेंज पर। तुम दोनों ने दो चैलेंज क्वालिफाई कर लिए और आखिरी चैलेंज में जो भी जीतेगा उसको मिलेंगे $100 million। तुम्हारा स्वागत है आखिरी चैलेंज पर। दोनों जने आ चुके हैं जो कि पिछले चैलेंज में क्वालिफाई हुए थे और तुम दोनों का कंपटीशन होने वाला है इनके लिए $100 million। फ्रैंकलिन, अगर तुम 100 million जीतते हो तो तुम क्या करोगे? मैं तो सबसे पहले अपने पैर ठीक करवाऊंगा, मैं फिर वापस से चल पाऊंगा। और आयरन मैन, तुम क्या करोगे? मैं अपने लिए 100 नई सुपर कार्स लूंगा। चलो बहुत बढ़िया, अब मैं बताता हूँ तुमको इस चैलेंज में करना क्या है। अपनी गाड़िया और व्हील चेयर लेके निकलना है इस चैलेंज पर। यहाँ पर है तीन रास्ते। एक रास्ता यहाँ से खुदा के जाओ, दूसरा रास्ता इन लड़कियों को मार के जाओ, और तीसरा रास्ता इस वाले रास्ते से जाके अपनी गाड़ी को खुदा के इस सर्कल के बीच में से निकाल के यहाँ पर लैंड कराना है। और फिर इस खतरनाक से ऑब्स्टिकल में से निकाल के सारे ऑब्स्टिकल पार करते करते जाना है तुमको फिनिशिंग लाइन पर। लेफ्ट में भी फिनिशिंग लाइन है और राइट में भी, तुम किसी पर भी जा सकते हो और फिर तुम जीत जाओगे $100 million। चलो चैलेंज को शुरू करते। सबसे पहले आयरन मैन। सबसे पहले मैं जाऊंगा, पर मुझे कुछ कहना है। फ्रैंकलिन, अगर तुम ये चैलेंज जीतते हो तो तुम्हें ये 100 मिलियन तो मिलेंगे, साथ में मैं भी तुम्हें $100 million दूंगा। क्या सही में, कहाँ है वो? रुक जाओ, अभी मंगवाता हूँ। ये लो, मेरे $100 million भी आ गए, तो अब तुम जीत सकते हो $200 million। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है। पर एक सेकंड, अगर तुम ये चैलेंज हारे तो मैं तुम्हारे पैर तो ठीक करवा दूंगा, पर तुम्हें जिंदगी भर मेरा नौकर बन के रहना पड़ेगा। क्या, जिंदगी भर नौकर बन के रहना पड़ेगा? हाँ, पर मैं तुम्हारे पैर जरूर ठीक करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, मुझे मंजूर है। अगर मैं चैलेंज जीता तो मुझे मिलेंगे $200 million, और अगर मैं चैलेंज हार गया तो कम से कम मेरे पैर तो ठीक हो जाएंगे, पर फिर मुझे आयरन मैन का हमेशा के नौकर बन के रहना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है, चलो इस चैलेंज को मैं कंप्लीट करके दिखाता हूँ। इस फ्रैंकलिन को मैं अपना नौकर बना के रहूंगा। हट जाओ सबके साथ, चलो फटाफट से चलते हैं और इस चैलेंज को कंप्लीट करके दिखाते हैं। और कैसा, अभी आप देख सकते हो आयरन मैन अभी यहाँ पे निकल चुका है और सामने सबसे पहला ऑब्स्टिकल आने वाला ये बड़ा सा सर्कल और वो बड़ा सा पंखा। क्या इनको क्रॉस कर पाएगा? मैंने इनको तो क्रॉस कर लिया और ऐसे ही मैं पूरे चैलेंज को कंप्लीट करूंगा, तुम देख लेना फ्रैंकलिन। और कैसर, आप देख सकते हो आयरन मैन यहाँ पे हवा में उड़ते उड़ते जा रहा है, इन बॉलों से भी क्रॉस हो चुका है और उसके बीच में से इनको निकलना पड़ेगा। हट जाओ, मुझे ये चैलेंज कैसे भी करके जीतना है। और आयरन मैन इनसे भी बच बचा के निकल चुका है। क्या ये उस खतरनाक से सर्कल के अंदर जा पाएगा? और ये मैं आ गया सर्कल के अंदर। हट जाओ सबके साथ, मेरे को ये जीतना है, मैं ये चैलेंज जीत के रहूंगा। और ये आखिरी जंप आ चुका है, सामने फिनिशिंग लाइन आ चुकी है। ये क्या, ये तो इस टनल के अंदर भी पहुंच गया, ये तो फिनिशिंग लाइन भी पहुंच जाएगा। ये मैं जीत गया। अरे ये क्या हो गया,
ये कैसे हो सकता है? मैं तो इधर गिर गया, ये नहीं हो सकता। और काइजर ये क्या, आयरन मैन आखिरी में आगे गिर चुका है और ये सीधा पानी में गिर गया। चलो फ्रैंकलिन, अब तुम्हारी बारी। अगर तुम फिनिशिंग लाइन तक पहुँचते हो तो तुम जीत सकते हो $200 million, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें आयरन मैन का हमेशा हमेशा के नौकर बनना पड़ेगा। तू हल्का टेंशन मत लो, मैं ये चैलेंज जीत के रहूंगा। तो चलो काइजर फटाफट से चलते हैं और इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। आखिरकार मैं अपने पैर वापस से ला पाऊंगा, बस मुझे चैलेंज कैसे भी करके जीतना है। चलो फटाफट से सारी रिंग्स के बीच में से हम निकल गए और इस बड़ी वाली रिंग और उस पंखे को भी हमें क्रॉस करना पड़ेगा जैसा कि आयरन मैन ने किया था। और काइजर ये व्हील चेयर पे करना सही में बहुत ही ज्यादा हार्ड है, कोई भी ये चैलेंज नहीं कर सकता व्हील चेयर पे, पर मैं कर सकता हूँ और ये करके दिखाऊंगा क्योंकि मुझे अपने पैर वापस चाहिए। और काइजर अगर मैं ये चैलेंज जीत गया तो मुझे $200 million मिलने वाले, बाकी के $100 million से मैं बहुत सारी चीजें खरीद पाऊंगा, पर वो सब तो बाद में सोचेंगे, पहले ये चैलेंज कंप्लीट करते हैं। तो काइजर अभी आप देख सकते हो हम इसके बीच में से निकलने वाले, फुल स्पीड में हम यहाँ से भी निकल चुके हैं। अब ये आखिरी खतरनाक ऑब्स्टेकल बचा है, इसके बीच में से भी निकलना पड़ेगा। अरे ये कौन सा बीच में से निकल गया, उसके बीच में से जाना था पर इसके बीच में से आ गया। कोई बात नहीं, हमने ये तो कंप्लीट कर लिया, अब वो आखिरी फिनिशिंग लाइन वाला ऑब्स्टेकल कंप्लीट करना है। चलो फटाफट से चलते हैं। और काइजर अब ये उस टनल के अंदर जाने वाले, इसके बाद ही अपना आयरन मैन नीचे गिर गया था, पर हम नीचे नहीं गिरने वाले क्योंकि हम यहाँ पर जीतने वाले हैं। और काइजर अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, मुझे बिल्कुल ढंग से अपनी गाड़ी को चलाना पड़ेगा, अपनी व्हील चेयर को, ताकि मैं ये चैलेंज जीत पाऊँ, वो स्पीड में भगा दे। और काइजर हमने अपनी गाड़ी को खुदा लिया व्हील चेयर को और सीधा फिनिशिंग लाइन में एंट्री कर ली और हम ये चैलेंज जीत चुके हैं। सारे के सारे चैलेंजेस मैंने क्लियर कर लिए, इसका मतलब वो $200 million में जीत चुका हूँ। बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, तुम जीतते हो $200 million। A few moments later. फ्रैंकलिन तुम्हारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, तुम अब चल सकते हो। क्या सही में मैं चल सकता हूँ? तो काइजर आखिरकार मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और मुझे इस व्हील चेयर की जरूरत नहीं है, पर मुझे बहुत ही डर लग रहा है चलने में। क्या मैं सही में चल पाऊंगा? आओ साथ में कोशिश करते हैं। चलो इस व्हील चेयर से उतरता हूँ। ओह ये क्या, मैं तो उतर गया। और काइजर आप देख सकते हो मैं पहले जैसा हो चुका हूँ, मैं पहले की तरह भाग सकता हूँ, पहले की तरह उड़ सकता हूँ, मतलब उड़ तो अभी भी नहीं सकता, पर मेरे पैर वापस से पूरे के पूरे ठीक हो चुके। थैंक यू डॉक्टर। अरे सॉरी डॉक्टर, भागो यहाँ से। हम वापस से ठीक हो चुके हैं। चलो ये क्या, फ्रैंकलिन मुझे पता चला कि तुम्हारे पैर वापस से ठीक हो चुके हैं, इसलिए तुम्हारे लिए नया नया गिफ्ट। गिफ्ट? अरे ये क्या, ये तो मेरी पुरानी वाली कार है जिसमें मेरा एक्सीडेंट हो गया था और ये गाड़ी पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। मैंने इस गाड़ी को पूरा का पूरा ठीक करा दिया, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। अरे थैंक यू आयरन मैन, ये गाड़ी तो सही में बहुत ही ज्यादा मस्त लग रही है, मेरी पुरानी गाड़ी मुझे वापस से मिल गई। तो कहा सर, जिस गाड़ी में मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी मुझे वापस से मिल चुकी है, पर अब मैं इस गाड़ी को बहुत ही धीरे चलाने वाला हूँ और जिस दिन बारिश हो रही होगी ना उस दिन घर से बाहर भी नहीं निकलूंगा। पर कहा सर फाइनली हमारे बैठ ठीक हो चुके, हमें हमारी गाड़ी वापस से मिल चुकी है, पर अभी भी हमारे पास $100 million बाकी है जो कि मुझे आयरन मैन ने दिए थे खर्च करने के लिए। उन पैसों को खर्च करेंगे अपने घर के ऊपर, अपग्रेड करेंगे अपने घर को। चलो फटाफट से चलते, मेरे पैर ठीक हो गए। तो काइजर मैंने अपने घर पे $100 million खर्च कर दिए हैं और अब देखते हैं हमारा घर कैसा दिखने वाला है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। चलो देखते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है खतरनाक सिक्योरिटी वाली, देखते हैं अपने घर पे क्या क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लग चुके हैं वो मुझे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स आ चुके हैं, यहाँ पर भी सिक्योरिटी गार्ड है और अंदर मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। अबे ये लोग कौन है, मेरे घर में क्या कर रहे हैं? अभी आप देख सकते हो किचन में पड़े बहुत सारे बर्गर कोल्ड ड्रिंक पता नहीं क्या क्या यहाँ पर पड़ा है। और ये लोग है कौन भाई, इतने सारे लोग और यहाँ पे इतना सारा पैसा क्यों गिरा हुआ, और ये दीदी यहाँ पे सो कर रही है। तो गाइस आप देख सकते हो कितना सारा पैसा पड़ा है, सारे के सारे लोग बहुत ही मजे कर रहे हैं और यहाँ पर भी सिक्योरिटी है और देखते हैं अपने नीचे क्या क्या किया है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कितना सारा पैसा, मुझे लगता है जितना पैसा बचा था उन्होंने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पर बहुत सारा पैसा और ये इतना सारा गोल्ड, ये तो बहुत खतरनाक है। मेरा रूम तो इन्होंने पूरा पैसे और गोल्ड से भर दिया है, मेरा बाथटब आप देख सकते हो पूरा का पूरा पैसों से भरा हुआ है, गोल्ड पड़ा है यहाँ पे, ये तो बहुत ही खतरनाक है। जहाँ जाओ वहाँ पैसा ही पैसा, सारे के सारे ब्रीफ केस भरे हुए पैसा ही पैसा, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा पैसा है। मुझे लगता है इन्होंने ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया,
किया, सारा का सारा पैसा यहाँ पर बचा दिया है। और ये क्या, मुझे जितना याद है मेरे घर में सिर्फ स्विमिंग पूल था, पर यहाँ पर कुछ और ही खतरनाक आ गया। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी लगता है कुछ पार्टी वार्टी चल रही है, और यहाँ पे अंकल बर्गर बनाने, चलो गाइस फटाफट अपने स्विमिंग पूल में डुबकी मारते हैं। ये स्विमिंग पूल तो बिल्कुल पुराने जैसा है, पर ये पार्ट हमारे नए घर में ऐड हो चुका है। हमारा घर यहाँ पर खत्म हो जाता था, पर यहाँ पर कुछ अलग ही बन चुका है। देखते हैं इधर क्या है। और ये क्या, यहाँ पर तो बहुत ही खतरनाक सा रूम बना हुआ है और बहुत सारे गेम्स खेलने के लिए। और आप देख सकते हैं अभी कितनी सारी मिनी कार्स लगा रखी है इस पूरे रूम को सजाने के लिए, ये तो बहुत ही खतरनाक है। और यहाँ पे पूरा का पूरा बाथटब है जिसमें मजे कर सकते हैं। सामने इसकी टीवी लगी हुई है, टीवी आराम से बैठ के देख सकते हैं। और यहाँ पे खतरनाक सी बालकनी, कितनी ज्यादा खतरनाक है। लॉस सैंटोस का क्या ही मस्त व्यू आ रहा है। और हमारे घर में यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लग चुके हैं, क्योंकि यार पेड़ भी जरूरी होते हैं, इसलिए बहुत सारे पेड़ यहाँ पर रुक चुके हैं। यहाँ पर क्रिसमस ट्री लगा हुआ है। तो गाइस मुझे तो मेरा घर बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है फटाफट से कमेंट करके बता दो। यहाँ पे सिक्योरिटी आ चुकी है, यहाँ पे बहुत सारा पैसा, नया स्विमिंग पूल को भी अपग्रेड कर दिया, नई नई चीजें यहाँ पर आ चुकी है। हमारे घर में बहुत सारी सिक्योरिटी, पूल टेबल, बहुत सारी चीज आ चुकी है। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दो ये घर आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ आ चुके हैं, जितने ज्यादा पेड़ उतनी ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी। और गाइस अब सबसे मेन जगह, यहाँ पे हमारा खतरनाक सा प्राइवेट हेलीकॉप्टर स्टैंड, और यहाँ पे कितना खतरनाक प्राइवेट हेलीकॉप्टर पड़ा है, ये तो सही में बहुत ही खतरनाक है। तो गाइस फटाफट से कमेंट करके बताओ हमारा प्राइवेट हेलीकॉप्टर को कैसा लगा और हमारा घर कैसा लगा, फटाफट से कमेंट करके बता देना। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चाहे वो सब्सक्राइब कर देना, बता देना वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।